हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग सॉर्टिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जो कि है फर्स्ट बैड वर्जन। तो इस क्वेश्चन में क्या आप देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम क्या बोल रही है। सो इस क्वेश्चन में यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट फेल्स द क्वालिटी चेक। सो सिंस ईच वर्जन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन, ऑल द वर्जन आफ्टर अ बैड वर्जन आर ऑल्सो बैड। ओके, मतलब कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो एक कंपनी में किसी में, तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया है तो वो क्वालिटी चेक को फेल कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जब हमारा एक वर्जन फेल हो गया तो उसके बाद जितने भी वर्जन बनाए गए होंगे हमारे, वो सारे भी फेल करेंगे। उनमें भी वो मतलब उनमें भी वो क्वालिटी खराब खराब वाली क्वालिटी ट्रांसफर होगी, राइट। क्योंकि हमें तो पहले पता ही नहीं था कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो फेल है, तो उसके बाद जितने बने वो भी फेल हो गए। तो सपोज यू हैव एन वर्जन एंड यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वन विच कॉजेस ऑल द फॉलोइंग वंस टू बी बैड। ओके, मतलब हमें सबसे पहला कौन सा वर्जन खराब हुआ था वो चेक करना है। सो यू आर गिवन एन एपीआई बूलियन इज बैड वर्जन विच रिटर्न्स वेदर वर्जन इज बैड और नॉट। ठीक है, तो हमें एक मेथड दिया गई है, तो वो चेक करेगी कि वो मतलब जो हमारा करंट जो हम चेक कर रहे हैं करंट वर्जन बैड है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं सबसे पहले इधर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सपोज मेरे पास एन वर्जन है, ठीक है, एन मान लो मेरे पास 50 वर्जन है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वर्जन, ये सेकंड वर्जन, ये थर्ड वर्जन, ये फोर्थ वर्जन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मेरा 25th वर्जन, ये मेरा 26th वर्जन, है ना, ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास पूरे 50 वर्जन है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब मेरे को देखना है तो मैं कि कौन कौन सा वर्जन मेरा खराब है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक एक करके चेक करूँगी। तो ये क्या करेगा, ये पूरा मेरा ऑर्डर ऑफ एंड टाइम ले लेगा, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब लीनियर टाइम, मतलब ये मेरा पूरा मुझे पूरी ये मेरा एक लीनियर सर्च के जैसा काम करेगा। ठीक है, जो कि बेकार है। तो मेरे पास अभी, क्योंकि मेरे पास एक लो वैल्यू भी है और एक हाई वैल्यू भी है ना, कि मेरा फर्स्ट वर्जन फर्स्ट वाला होगा, हाईएस्ट मतलब लेटेस्ट वर्जन क्या है, जो मेरा nth वर्जन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ना बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे वर्जन सॉर्टेड ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब वर्जन वन होगा पहले फिर वर्जन टू होगा, तो मैं यहाँ पे मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मिड कैलकुलेट किया, मिड लो प्लस हाई करके, हाई बाई टू करके, तो मिड मेरे पास 1 + 50/2 क्या आएगा मेरे पास 51/2 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इनिशियल मेरा मिड यहाँ पे, तो मैंने चेक करा क्या ये वाला वर्जन मेरा खराब है, तो मैंने फंक्शन को कॉल किया इज बैड, तो ये और मैंने भेज दिया 25th वर्जन, तो ये इसको चेक करेगा। तो ये इसने चेक किया, अगर ये खराब है तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, और ये खराब नहीं है तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, सबसे मेरा पहला वर्जन खराब हुआ था जो मैंने मान लिया वो है मेरा 17th। ठीक है, मेरा 17th वर्जन के बाद से मेरे सारे वर्जन खराब है। ठीक है, तो अभी से चेक किया क्या मेरा जो वर्जन है वो बड़ा है, मतलब कि वो सबसे पहले खराब वर्जन वाले के जो सबसे पहला खराब वर्जन था उसके बाद का वर्जन है, तो हाँ, तो ये क्या करेगा, मुझे ट्रू रिटर्न कराएगा, तो फिर ये भी खराब वर्जन होगा क्योंकि ये वाले खराब है, इसके बाद के सारे खराब है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब ये मेथड मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी, जब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, तो इस बाय 25 मेरे को क्या ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि इसने मेरे को ट्रू रिटर्न करा, तो इसके बाद वाले तो सारे मेरे खराब होने वाले ही है ना, तो मुझे तो फर्स्ट वाला फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी अपने हाई को लेके 50 से यहाँ पे 24 तक ले आऊँगी, क्योंकि 25 वाले के बाद के तो सारे पक्का खराब होंगे ही से, है ना, तो इन ये वाला एरिया मेरे कम हो गया, मुझे इसके बाद का तो देखना ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब मैं ले यहाँ से लो से लेके मतलब 1 से लेके 24 के बीच वाले वर्जन चेक करूंगी। ठीक है, लो से लेके हाई, जो कि ये मेरा 1 से लेके 24 तक, ठीक है, है ना, ये मैंने चेक कर लिया। अब जब मैं इसको चेक करूंगी, फिर से मैंने मिड निकाला, लो मेरा था 1 + 24/2 कितना होगा मेरा 25/2, मिड मेरा आ गया 12। ठीक है, मिड मेरा आया 12, तो मान लो कहीं मिड मेरा यहाँ पे 12। ठीक है, अब मैंने चेक करा क्या मेरा 12th वर्जन जो है मेरा खराब वर्जन है, तो नहीं, ये इज बैड 12, तो मेरे को इज बैड 12 मेरे को रिटर्न कराएगा पॉजिटिव, मतलब इट विल रिटर्न कराएगा मेरे को फॉल्स कि नहीं ये तो बैड वर्जन है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये मेरा बैड वर्जन नहीं है तो इसके पहले के भी बैड वर्जन होंगे नहीं, मतलब इसके पहले वाले तो सारे अच्छे होने वाले ही है। ठीक है, तो हमारी रेंज कम हो गई, 12 से मेरे को 24 के बीच में चेक करना है हमें, क्योंकि ये वाले तो सारे, अब जब ये वाला अच्छा वर्जन है तो इसके पहले वाले भी सारे अच्छे वर्जन, तो ये वाला एरिया हमें चेक ही नहीं करना है ना।
अब मैं करूंगा 12 के बाद वाला चेक, ठीक है। तो 12 के बाद मेरे पास आ गया 13, 13 से लेके 24 में चेक करूंगी, मतलब मैंने अपने जो मेरा लो को मैंने उठा के मिड प्लस वन पे रख दिया, ठीक है। तो अब मेरा लो है यहाँ पे, ये मेरा हाई है। अब मैंने फिर से मैंने कैलकुलेट किया 13 + 24/2 जो कि है 37/2, 37/2 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। नाउ माई मिड इज हियर, दैट इज 18, ओके, दिस इज माई मिड। तो अब हम चेक करेंगे, हमने फिर से कॉल किया इज बेड इज बैड 18 को हमने कॉल किया, ठीक है। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे इज बैड 18 18, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरा 17 के बाद वाला है ना 18, तो वो तो खराब है इसे। तो ये जब इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये वाला खराब है, इसके बाद वाले भी सारे बेकार होंगे, तो ये वाला एरिया डिस्कार्ड कर दो। अब मेरे पास रेंज क्या बची? 13 से लेकर 17 तक की, है ना। लो मेरे पास है 13, हाई मेरे पास है 17। अब मैंने फिर से 13 + 17/2 निकाला, मिड मेरे पास आया 15, ठीक है, ये मेरा मिड है। मैंने फिर से कॉल फिर से चेक किया, क्या मेरा इस बेड ऑफ 15 मेरा खराब वर्जन है? तो वो बोलेगा नहीं ये खराब वर्जन नहीं है, तो इसके पहले वाले भी खराब नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, अपने लो को मिड प्लस वन पे यहाँ पुट कर दूंगी, तो मेरा लो क्या हो जाएगा अब, मिड प्लस वन, लो मेरा वो हो जाएगा 16। तो अब मेरी रेंज क्या बची? 16 से लेके 15। अब मुझे 16 और 17 में देखना है कि कौन सा, अब मेरी रेंज है बस 16 और 17। ये है मेरा लो, ये है मेरा हाई। अब मैंने फिर से निकाला लो प्लस हाई बाई टू जो कि मेरा 16 + 17/2, है ना। ये मुझे कितना देगा? 33/2 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगी क्या मेरा 16, मैं कॉल करूंगी इज बैड 16, तो 16 इज नॉट बैड, तो ये क्या करेगा? मतलब 16 मेरा खराब नहीं है, तो इससे पहले तो कुछ है भी नहीं, तो हमें चेक नहीं करना, तो हम लो को फिर से इंक्रीज कर देंगे। मैंने अपने लो को उठा के रख दिया हाई पे, मतलब मिड प्लस वन जो कि मेरा 17। अब मेरा लो और मिड दोनों इक्वल हो गए, और मैंने चेक किया फिर से क्या मेरा इज बैड मिड है, इज बैड मिड, क्योंकि मेरा लो लो भी 17 है, हाई भी 17, तो 17 + 17/2 क्या इतना ही होगा, 17 होगा। इज बैड 17 चेक करा, या इट इज बैड। तो जब हमारा तो हम हमें ये मेथड क्या ट्रू रिटर्न कराएगा, और मेरा लो जो है हाई के इक्वल हो गया, तो मैं मतलब कि मैं यहाँ पे मेरा फेवरेबल, मतलब मेरा फर्स्ट बैड वर्जन क्या हो गया मेरे पास 17, तो हम रिटर्न करा देंगे 17 को, ठीक है। ऑलराइट, तो आइए अब इसको कोड करते हैं। ये है मेरी मेथड। सबसे पहले लो ले लेंगे हम एक, तो हमारा लोएस्ट वर्जन जो है वो फर्स्ट वर्जन है, हाईएस्ट वर्जन हमारा nth वर्जन है, और हमने ले लिया एक फर्स्ट बैड वर्जन जो कि इनिशियली मान लो -1 है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी, जब कब तक चेक करूंगी, जब तक मेरा लो हाई से छोटा है, ठीक है। अब जब मेरा लो हाई से छोटा है, तो मैंने चेक किया फर्स्ट, सबसे पहले अपना मिड कैलकुलेट किया मैंने, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू, और मैंने चेक किया, मैंने बनाया एक बूल टाइप का आंसर, और चेक किया क्या वो बैड है, क्या वो बैड वर्जन है, मतलब जो मिड वाला है वो मेरा बैड वर्जन है। तो हम चेक करेंगे इफ आंसर, मतलब मेरा आंसर ट्रू है, तो मैं क्या करूंगी, मतलब कि हाँ कोई बैड वर्जन है तो उसके खराब उसके पीछे वाले सारे बैड होंगे, तो मैं क्या करूंगी हाई को उठा के रख दूंगी मिड -1 पे, है ना, और अपने अपने फर्स्ट बैड वर्जन को अपडेट कर दूंगी। मतलब हो सकता है ये जब मेरा बैड है, तो हो सकता है यही मेरा फर्स्ट बैड वर्जन हो, तो क्या मैं डाल दूंगी इसमें मिड, ठीक है। और एल्स में क्या आ सकता है कि नहीं, मतलब कि ट्रू, मतलब कि फॉल्स रिटर्न करेगा, कि मतलब हम हमारा जो हमने मिड चेक कराया वो हमारा बैड वर्जन नहीं है, तो ये क्या करेगा, फिर ये करेगा मतलब जो अगर वो बैड वर्जन नहीं है, मतलब कि वो अच्छा वर्जन है, तो हम क्या करेंगे उसको, अब हम लो को उठा के मिड प्लस वन पे रख देंगे, क्योंकि उसके पहले के तो सारे हमारे लिए बेकार ही है ना, उसको मतलब उससे पहले चेक करना तो सारे बेकार ही, क्योंकि सारे अच्छे वर्जन से मेरे, मतलब लो अगर मेरा लो अच्छा वर्जन है, तो उससे पहले पिछले वाले भी सारे अच्छे वर्जन होंगे, तो मैं क्या करूंगी लो को मिड प्लस वन पे रख दूंगी। और अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो कह रहा है फंक्शन फैब भी वॉज नॉट डिक्लेयर इन द फैब एफ ए बी, ओके इट विल बी एफ बी वी फर्स्ट बैड वर्जन, लेट्स ट्राई टू रन दिस, ओके एक्सेप्टेड एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस।
टाइम लिमिट एक्सेडेड. ओके यहाँ पे आएगा लो प्लस हाई बाय टू. अब इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार और. लो प्लस हाई बाय टू तो पेरेंथीसिस में लगाना भूल गए, तो इसलिए टी ए आ गया, टी एल ही आ गई, टाइम लिमिट एक्सीडेड. ओके तो सबमिटेड. तो अब हम क्या, तो अब मेरा मेन मतलब क्या लगाना था, मुझे इसमें वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं था, बस यहाँ पे मेनली मुझे बस ध्यान देना था कि यहाँ पे हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं ना. तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू गाइज. आई होप आई यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.